मॉर्निंग सर, सिर्फ एक बात सर है। हाँ सर, ये आज SSA टीचर का तू ये बात लेके आपका कितना जेन्यूननेस है आपको मालूम होता होगा, उसको आज सिर्फ डिस्कस करने जा रहा है ना, कुछ एक सोल्यूशन देने जा रहा है कैबिनेट मीटिंग में। SSA मैटर जो है वो लास्ट टाइम बजट अनाउंसमेंट ऑनरेबल डिप्टी सीएम का माध्यम से भी हम लोग ने किया था कि उसको हम लोग एक मॉडर्निटीज बना के हम लोग रेगुलराइज करेंगे। तो डिपार्टमेंट को पहले से ही इंस्ट्रक्शन दिया था कि कैबिनेट में एक नोट प्रिपेयर करके लेके आए। तो आज कैबिनेट है तो देखिए डिपार्टमेंट किस हिसाब से प्रपोजल लेके आते हैं। आज डिस्कस करने जा रहे हैं ना, SSA टीचर लोग का ये डिमांड जेन्युइन है ना जेन्युइन नहीं है आपका मुताबिक? नहीं नहीं, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे जेन्युइन क्या है नहीं, अभी डिपार्टमेंट हम लोग बताएंगे, कैबिनेट में हम लोग बात करेंगे। अब जेन्युइन है बोल के इतना बोल नहीं सकते हैं? नहीं, जेन्युइन नहीं है हाई उसको क्यों बोलेगा, हम लोग अभी हम लोग बात करेंगे हम लोग, बिकॉज ये सरकार जो है प्रो पीपल सरकार है, तो हम लोग बेसिक जनरल डेफिनेटली विल डिस्कस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सिर्फ एक बात हम पूछने जा रहा है कि आज SSA टीचर का मुद्दा लेके कैबिनेट मीटिंग में भी आने जा रहा है बोलते हैं, आप तो जानता है SSA टीचर लोग का बारे में, आपका मुताबिक SSA टीचर का जो डिमांड सही है ना सही नहीं, आप बोल के देखिए। मैं तो अभी एजेंडा नहीं देखा है, आज आएगा क्या नहीं आएगा वो भी क्लियर नहीं, और इन लोग का डिमांड तो सही होगा, मैं तो गया नहीं पूछा नहीं, वो तो एजुकेशन ही जानेगा, आज कैबिनेट में ले आने से उसमें चर्चा करेगा, अभी तो हम लोग का ये एजेंडा में तो नहीं देखा है। आप तो जानता है SSA टीचर का बारे में जी। तो धरना इन लोग तीन दिन, आज तक तीन दिन हो गया है जी, इन लोग का डिमांड जेन्युइन है ना जेन्युइन नहीं है, सिर्फ इतना बोल के देखिए सर। मैं देखिए, मैं उनका डिमांड को जेन्युइन या नॉट जेन्युइन नहीं कहूँगा, प्रोबेबली कुछ तो ग्राउंड होगा। और आज तो कैबिनेट मीटिंग में ये एक एजेंडा होके आ रहा है, जो भी हो डिस्कशन करना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी डन यू नो सेटल थ्रू नेगोशिएशन, लेकिन ऐसा स्कूल को स्टूडेंट्स करियर हैम्पर करके एजुकेशन करना तो इट्स नॉट जस्टिफाइड।